तो न्यू ईयर में घर मतलब पार्टीज में लड़की लोग लड़की लोग, लोग को देखता मैं मतलब मेरे सामने ऐसे मतलब पीने के बाद ना रोनी दे आ जा रे, ले एक ले, ले दे, क्या बोलते उसको एक शॉर्ट ले मस्त तेलुगु में आ रहे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा मेरे मतलब, को तेरे लिए मस्त बोलता मैं तेलुगु में बोलने के लिए क्यों मेरा लैंग्वेज तेलुगु तो फ्लो अलग होते मेरा आज हम पी एक छोटा शॉट -चोट ले मजा आते तेरे को देख रहा हूं पूरा हो जाएगा तू उधर चला जाएगा पूरा क्या बोलते उसको हेवन मतलब ऐसे बोलते हैं वो मैं बोलता हूं रे मैं लड़की लोग है मैं वीडियो करने के मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते ना सीधा मेरे पास आ जाते हैं

भयंकर तो मेरा बॉडी पूरा बॉडी होश में और एक दो बंदे होते हैं हम दो ही बंदे नहीं पीते जो भी मतलब कुछ अल्कोहल वालकोल ड्रिंक विंक नहीं करते हैं उन लोग बाकी सब करते ड्रिंक तो हम दोनों हम दोनों की ड्यूटी क्या बता हर पार्टी के बाद हम दोनों को ड्यूटी एक ही है उनको घर छोड़ के आना है घर मतलब गाड़ी में तो तो बॉडी पूरा अल्कोहल ऑल कॉल जाते क्योंकि वो लोग पीते रहते हैं उनकी बॉटल से हमारा ऊपर भी गिरते हैं तो भाई क्या हो गया मैंने घर पूरा पूरा तो मेरा माइंड में ये नहीं कि मेरे पापा घर में क्या बोलेगा मेरे माइंड में ये कि चल इनको घर छोड़ दिया अभी लेट हो गया चल घर चलते भाई मैंने चार बजे घर आ गया फर्स्ट बिल 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 दबाने के लिए डर लगा मेरे को क्योंकि मेरे को लगा अरे नहीं अभी सब सोते क्यों करना तो मेरे भैया को कॉल किया भैया घंटू सो गया साल <laughs> मेरे मम्मी को कॉल किया पपा उठ गया हमारा ग्लास होता तो है ना मेन डोर के लेफ्ट से ग्लास उधर से नाइट टाइम ना जो अंदर लाइट करते हैं, लाइट जिसके अंदर मतलब आ, क्या में ऑन करते हैं ना तो दिख जाते अंदर क्या चल रहा तो मेरे पप्पा आ रहे वहां ऐसे हॉल में से मेरे को लगा हाँ घंट कट मतलब गया मैं

मेरे पापा मुड़ के जा रहे बेडरूम मेरे को लगा छोड़ दिया मेरे को मतलब हो गया भाई जितना स्पीड में गया ना सॉरी जितने स्पीड क्या बोलते हैं जितना टर्न करके जितना स्पीड में अंदर गया ना उससे डबल स्पीड में बाहर आ गया बिल्ड पकड़ के मेरा गांड फट गया ये बोल रहा हूं भैंचोद फेल टू भाई बोलने के चांस ही नहीं दे रहा मारे जा रहे मारे जा रहे मैं सोफा के अंदर अंदर घुसने के ट्राई कर रहा हूँ वो बैंको चो इतना छोटा है गैप उसमें उसके अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ भाई टीपा है वो टीप है मतलब जो होता है ना सोफा के सामने जो ग्लास होते हैं ग्लास मतलब जो जिधर न्यूजपेपर व्यूज पेपर उस रखते उसके नीचे उसके अंदर घुसने की ट्राई करता हूँ उसके अंदर भी गैप में जो मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ डाइन टेबल के अंदर भाग गया मारे जा रहे हैं डाइन टेबल के पास भाग गया उसके अंदर घुसने की ट्राई किया उसके अंदर भी नहीं घुस पा रहा हूं सीधा बेडरूम मेरा भैया बेडरूम लॉक लॉकडे मां की बेडरूम बहुत ऊपर ऊपर फ्लोर में मेड बेडरूम वो मेरे सीढ़ियों पे भागने के जा रहा हूं वो मेरा कॉलर पकड़े खींच के मार रहे मैं बोला भैया पापा इतना लेट आते तो कौन मारेगा भैंस साइको भाई को है क्या तू भाई उस दिन ऐसे कुछ भी बोल दिया मैंने एक खुद पी के आया है आज लगता है नहीं भाई नहीं पिया मैंने मैं बोल रहा हूँ ना कुछ पिया ही नहीं मैं तो, मैं मैं तो से ऊपर भागने की ट्राई कर रहा हूँ कॉलर वॉलर खींच के मार रहे मेरे को मैं बोल रहा हूँ भैन चो साइको क्या तू मम्मी है, है। भैया मेरा भैया का मैं छोटा भैया का नाम बोल रहा हूँ वो बचाने के लिए बचाओ बोल रहा रहे इसको पकड़ो बोल रहा हूँ मेरे को ऐसे मेरे पापा बोलते इतना रात पी के क्यूँ आयो तू तो शारा भाई कोई देखते तो क्या समझेगा कॉलोनी वाले मैं बोल रहा हूँ मुंह से हा हा मैं चूते हो ना और गुस्सा दिला रहा हाँ, हाँ हूँ वो तो ना मुँह क्या बोलते उसको वो तो ना साउंड करते हवा हवा छोड़ते ना ऐसे स्मेल के लिए वो कर वो हाँ रहा हूँ उसकी मुंह पे भैंसो मैं पापा और गुस्सा हो रहे हो उसको देख के क्या हवा छोड़ रहा रहे मुंह पे चूत बोल के उसी दिन भाई मेरा पापा गुस्सा देखा मैंने मेरे पापा के बीच में ए भी बोला भाई, मैं भाई पी ऐसा लग रहा है तू भी क्या ऐसे कौन मारता है साला साला वाला नहीं बोलता ऐसे कौन मारता है भाई लाल हो गया ब्लड ब्लड आ रहे भाई तुम कर कल क्या बोलू मैं फ्रेंड्स को क्या दिखाऊं मैं ये सब पापा बोलते क्यों किया किसको बोले मम्मी को बताया क्या तू किया मम्मी को पता मम्मी मम्मी को मारने जा रहे मारने मतलब गुस्सा में मम्मी के पास जा रहे मेरे मम्मी को फट गए मेरे को कुछ नहीं मालूम मेरे मम्मी <laughs> अरे बंचा ये वीडियो मेरे को याद आ गया मम्मी को, को बोलेगा ये मेरे को ऐसे कैसे उस दिन क्या किया मेरे को सब मम्मी को पूछूंगा आज मेरे मम्मी बोलते मेरे मेरे को कुछ नहीं मालूम मेरे पता ही नहीं है ये कुछ चला गया मेरे कुछ पता है मेरे को बस इतना ही बोला की रहे। <laughs> <मेरे मंगी> और... <laughs> म, म, और कुछ भी बोल रहे मेरे डैडी डैडी नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा डैडी मैं बोला अभी लौड़े मेरे नेक्स्ट टाइम क्या किया क्या है नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा तू चुप बैठ और मारेगा मेरे भैया अलग अलग हो इमोशनल होके रोते रोते पर नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा डैडी भैया को छोड़ दे मेरे पापा क्या नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा मार तू वापस करोगे तो मैं तो सीढ़ों पे बैठ गया भैया पापा मैंने कुछ नहीं किया बाकी अल्कोहल टेस्ट कर लो कुछ भी कर लो मेरे को रोना आ रहे हंसी आ रहे सब कुछ आ रहे मेरे को मेरे मम्मी पापा को देख हंसी आ रहे मेरे पापा मारते तो रोना आ रहे मैं सोचा हो गया मैंने बोला मैं पप्पा को बोले पापा मार दोगे क्या मेरे को मार दे भाई मार दे मैं कुछ नहीं किया फिर भी मार रहे तुम लोग मार दो मैं मार दो वो चाकू वाकर करके मार दो भाई इतना बड़े कहा मेरे पापा शांति हो गया शांति होने के बाद भाई खत्म मतलब तो उस दिन पूरा सोने गया सोने तो ये मैं तू थी घंटे दरवाजे अच्छा अच्छा फ्लो में साले डिस्टर्बेंस करते मेरे भाई आके

मतलब वो क्या इतना ज्यादा नहीं लगते मेरे को मेरे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूँ तो मेरा बॉडी को कुछ होते नहीं बट भाई ना भाई फिर भी भाई, स्किन, स्किन भाई उठ जाते ना भाई, बेल्ट से मारते तो क्या? भाई बेल्ट का वो लेदर पार्ट होता उससे नहीं मारा मेरे को बीच में गुस्सा में वो जो मेटल पार्ट होते ना वो होल में क्या बोलते है? बेल्ट का स्टार्टिंग मेटल पार्ट होते मारने की ट्राई किया मैं बोला अरे भाई उसी टाइम ही बोला साइको वाइको है आप भाई आप साइको भाई को है क्या पप्पा का ऐसे कौन मारेगा बहनचोद वो भी उससे मरते मर जाऊंगा <laughs> भाई क्या बोलू इसलिए भाई तुम बोल रहा हो ना मेरे मेरे को बहुत ज्यादा हुआ इसे घर में तुम लोग पप्पा मम्मी मारते ना चिल मारो एक दो दिन का भाई नेक्स्ट दिन तीस दिन दर्द कम हो जाए एक दो दिन का चलता है बस ऐसे पेन

बोलते मम्मी रोते रोते सॉरी लगा रहे पैर को मेरे मेर पापा थोड़ा इमोशन के भाई यार क्यों किया मैंने थोड़ा सुनना था इसकी बात भी अरे यार ये ये क्यों किया सब नहीं करना था ये सब मेरे पापा मैं बोल रहा पप्पा कल साइको जैसे मार के आज बोल रहे मैं सुनना था इसकी बात को मैंने इतना नहीं मारना था उसको मा की माकि जब मारा था कुछ ही नहीं है <laughs> भाई गंदा भाई मैं बोल रहा हूँ ना मेरे पापा बहुत मारता है इसलिए मेरे पापा कान फट जाते हैं मेरे पापा का बोलने के लिए मैं डॉबे गेमिंग करता हूँ स्टडीज छोड़ के <laughs> मेरे पापा कभी भी लगता है मैं स्टडी कर रहा हूँ बट मेरे पापा को नहीं पता मैं स्टडीज छोड़ के ये सब बकचोदी करता है इधर इसलिए मैं समझ में आया क्या अभी क्यों नहीं बताता मेरे पापा को मैं गेमिंग के बारे में फूट कैम्प क्यों नहीं जा रहा <laughs> भाई बस में

छो दो तुम्हारे वैसे लगे वाला बोल के लिखा भाई मैं तीन चार पांच दिन कैंपस नहीं आऊंगा डाउन हो जाते ना सबका वो जो, जो नशे वशे सब कम हो जाने के बाद सब सब उठ जाते ना एक बार मेरे को कॉल करके कॉल करते तो मेरे फोन स्विच ऑफ है सबको लगा गुस्सो कर लिया मैंने खुद को तब घर को आग के सब तो देख रहे मेरा हाल मेरा हालत को बोल रहे क्या हो गया रे मैं बोलता क्या हो गया <laughs> पीछे रिफाइन करके देखो मेरा <laughs> तो पता चला क्या हो गया तब तो मेरा फ्रेंड्स आके आ मम्मी पापा को समझाया बोला अंकल बहुत अच्छा है रोनी पिता ही नहीं हमको ड्रॉप करके आया घर में सेफली बहुत अच्छा बच्चा मतलब बहुत, बहुत